हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है काफ़ी बार, जिसमें क्या लिखा है, एशियंट माया सिटी विद पिरामिड लाइक बिल्डिंग फाउंड डीप इन मैक्सिकन फॉरेस्ट। मैक्सिकन फॉरेस्ट में मतलब एक नया शहर मिला है, ठीक है, जो हमारे साउथ अमेरिका है ना, वहाँ पर एक नया शहर मिला है, प्राचीन शहर, जो कि मतलब किसके थ्रू हमने मतलब फाइंड आउट किया गया है, लेज़र स्कैनिंग के थ्रू। मतलब जो हमारा नया शहर है ना, ये साउथ अमेरिका का, इसके ना बहुत ज़्यादा टाइम से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे है, यहाँ कोई अवशेष वगैरह छोटे मोटे देखने को मिल रहे थे। बट क्या हुआ, उसका कन्फर्मेशन नहीं हो रहा था, बट अब वो लेज़र स्कैनिंग के थ्रू पूरा कन्फर्मेशन हो चुका है कि एक नया शहर डिस्कवर हो गया है, ठीक है। अब ये मतलब कौन सा शहर है और क्या चीज़ है, तो ये एक हमारा जो शहर मिला है ना, वो माया सिविलाइजेशन, आपने सबने सुनी हो कितनी सारी हमारी सिविलाइजेशन होते हैं, वैसे ही एक माया सिविलाइजेशन होती है। माया सिविलाइजेशन हमारी वो है, जैसे आपने लाइक कुछ साल पहले 2012 में सबने मतलब कैलेंडर की बात चल रही थी कि 2012 में क्या रहा, पूरा हमारा देश ख़त्म हो जाएगा, पूरा मतलब कंट्री वर्ल्ड पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमारी पृथ्वी का मतलब अवशेष ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी सारी माया सिविलाइजेशन के थ्रू ही आई थी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, मैथमेटिकली की जो कैलकुलेशन है उसे बहुत ही ज़्यादा गुड थे, क्योंकि इन लोगों ने कैलेंडर बनाया था, जो कि कैलेंडर था 2012 तक ही था, और उसके बाद क्या था, कुछ डॉट 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 देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये हमारे माया सिविलाइजेशन के बारे में है। अब जो हमारा माया सिविलाइजेशन है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी अदर अदर सिविलाइजेशन है हमारी, लाइक इंडिया की हमारी सिविलाइजेशन है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई है, वैसे ही हर जगह के ना अलग अलग अकल सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो कुछ मेजर यही है हमारी, इंडस वैली होगी, मेसोपोटामिया होगी, एस्टेक होगी, पर्शियन होगी, तो ये सारे सारे सिविलाइजेशन है। तो हम पहले बात करेंगे माया सिविलाइजेशन हमें कहाँ मिला है, ठीक है। तो ये मैं मैप के थ्रू बताती हूँ, जैसे आपको बताया हमारा अमेरिका का पूरा पार्ट है साउथ अमेरिका, ठीक है, और क्या नाम है, इसके नीचे हमारा आ जाता है, क्या नाम है, अमेरिका का पूरा पार्ट होता है ना, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका आ गया, नीचे हमारा साउथ अमेरिका है, तो इसमें क्या है, ये डिवाइडेड है, ऊपर तो हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया, नीचे हमारा साउथ अमेरिका है, और बीच में जो है ना हमारा वो सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है। ये जो पूरा पूरा पार्ट आता है ना, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका है, मैक्सिको से लेके मैक्सिको हो गया, और ये जो अदर अदर शहर आपको देखने को मिला, ग्वाटेमाला, नॉर्थ बेल्जियम, वेस्टर्न होंडुरस, ये सारे के सारे शहर हमारे यहीं पे है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिको में ये नया सिविलाइजेशन देखने को मिला है, ये कहाँ पे, जो हमारा पेनिसिलियम है। अब पेनिसिलियम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पेनिनसुला जो होता है ना हमारा, वो तीनों जगह से वाटर से कवरअप होता है, इसे पेनिनसुला बोलते हैं हम, ठीक है, युकाटन पेनिनसुला, यहाँ पे ये मैक्सिको के इस पार्ट में ये क्या नाम है डिस्कवर हुआ है, जो माया सिविलाइजेशन का नया शहर है, प्राचीन शहर, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम जो है OCOMTUN, ओकैम्पटन, ठीक है, ओकैम्पटन, ये आपको मतलब कहीं भी आ सकता है ये वर्ड, ओकैम्पटन, या इसका नया शहर मिला है ना, इसका नाम रखा है। तो इसको डिस्कवर किसने किया, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री है, उसने इसको डिस्कवर किया है और उसने ही इसका नाम रखा है, ठीक है। ओकैम्पटन जो है ना, इसका जो इसको एक तरह से स्टोन कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, स्टोन कॉलम, और ये मतलब ये इसके अंदर मतलब ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें देखने को मिले हैं, लाइक पोइट्री से रिलेटेड, ठीक है, पोइट्री हो गई, जो मटके वगैरह होते हैं हमारे, और जो रिचुअल्स होते हैं पुराने टाइम के, उनके रिगार्डिंग थिंग्स यहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया माया सिविलाइजेशन जो है ना हमारे लिए किस लिए ज़्यादा फेमस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, मैथ्स में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, मैथ्स में, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बहुत ही बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो ये एक मैक्सिकन और सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, जो अभी नया हमारे माया शहर मिला है ना, वो मैक्सिको में मिला है, बट जो माया सिविलाइजेशन ना, ये हमारी बहुत पुरानी है, तो ये किस चीज़ की पार्ट है हमारी, जो मैक्सिको के पीपल हैं और जो सेंट्रल अमेरिका का, इन दोनों का ये हमारा पार्ट है, ठीक है। और आज के टाइम में मैंने ये बता दिया आपको, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर के बीच में, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे दिया, ग्वाटेमाला हो गया, मैक्सिको हो गया हमारा, नॉर्थन बेल्जियम हो गया, और उसके साथ साथ हमारा वेस्टर्न होंडुरस, इन सारे के सारे यहाँ पे ये देखने को मिला है। अब हमारी कुछ मेजर सिविलाइजेशन भी होती हैं, ठीक है, हम मेजर सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो हमारी मेजर सिविलाइजेशन है, आपको इंडिया का तो पता ही है, ठीक है, सिविलाइजेशन,
जो हमारे इंडिया में है, ये तो हमारी वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरी बात है मेसोपोटामियम, मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है हमारी, ये हमारी इराक सीरिया टर्की यहाँ पे यहाँ तक ये फैली हुई है पूरे इस एरिया में, ठीक है। इसके बाद यूक्रेन हो गया, ये सिविलाइजेशन है इक्वेडोरा पेरू चिली यहाँ पे फैली हुई है। इसके बाद हमारा एजटेक, ये हमारा मैक्सिको की ही एक सिविलाइजेशन है। उसके साथ पर्शियन, ये पर्शियन सिविलाइजेशन हमारी ईरान में फैली हुई है। और एशियंट ग्रीक, एशियंट ग्रीक ये हमारी जो सिविलाइजेशन है, ये हमारी ग्रीस की सिविलाइजेशन है। इसके बाद हमारी एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये हमारी इजिप्ट की है, ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है हमारी इजिप्ट की है। तो ये जो नया शहर मिला है हमारी, इसके बारे में इसके रिगार्डिंग बात है, तो ये जो नया शहर मिला है ना, ये हमारा मैक्सिको मिला है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक सेकेंड, मैक्सिको में, मैक्सिको जैसे आपको पता है मैक्सिको में फेडरेशन स्टेट की गवर्नमेंट रिपब्लिक करते हैं। उसका बाद कैपिटल कौन सी हमारी मैक्सिको की, मैक्सिको ही हमारी कैपिटल है। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, स्पेनिश, स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे। और इसका मनी जो है पैसों में है, जो हमारे रुपी में होता है वहाँ पे मनी पैसों के अंदर है। और इसके जो मेजर माउंटेन है, मेजर माउंटेन एक तो सीरा हो गया, सीरा मैड्रिड, ये हमारा वहाँ का मेजर माउंटेन है। और वहाँ पे एक मेजर रिवर भी है, दो मेजर रिवर है, एक तो हमारी रियो ग्रैंडी, सेकेंड हमारी यकाउज, ये हमारी मैक्सिको के। तो मैक्सिको के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और ये हमारे इसलिए न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पे एक प्राचीन शहर मिला है, जो कि हमारे लेजर स्केलिंग के थ्रू ही संभव हुआ है। बट ये पहले भी डिस्कवर हो गया था कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई मतलब शहर हो सकता है, बट अब इसकी पूरी पूरी पुष्टि हो गई है। और यहाँ पे जो चीज़ें मिली है ना, वो पोइट्री मटके वगैरह जो होते हैं हमारे रिचुअल्स की चीज़ें होते हैं पुराने टाइम के, वो सारी चीज़ें। और इसकी मेजर चीज़ आपको क्या याद रखें, इसका जो नाम है ना ओकोमटन, ठीक है, ओकोमटन इसका नाम है, ठीक है, जो नाम इसका रखा है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री रखा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।